गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, आप देख सकते हो मेरे हेलमेट का ग्लास, वही चेंज करवाने के लिए मैं आया हूँ टाउन पे। तो देखिए, पूरा स्क्रैच फेस हो चुका है, तो जिससे कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और जर्नी भी हमारी लॉन्ग है, तो इसीलिए शुड बी गेट चेंज, सो बी विद मी। सो फाइनली ग्लास चेंज हो गया और इसका आगे का स्टिकर निकाल के इट विल बी लुक्स परफेक्ट फॉर राइड। वलसाड़ अभी छोड़ा ही नहीं था कि ये बारिश चालू हो गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचा और आप देख सकते हो कि कितना बारिश हो रहा है। आगे देखते क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं वलसाड़ से मुंबई जा रहा हूँ, तो अभी 2:15 बज चुके ऑलरेडी और घर से निकले हुए मुझे 2 घंटा हुआ है। फिर भी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर कट कर पाया हूँ, क्योंकि एक तो मुझे काम था वलसाड़ टाउन में, तो वो कंप्लीट किया, और दूसरा बारिश। यहाँ पर रुकने का रीज़न ये था कि मेरे जो ईयरफोन लगा के रखे थे मैंने ब्लूटूथ वाले, उसमें पानी चला गया और वो क्या कर रहा था, अपने आप ही फ़ोन को फंक्शन कर रहा है, कभी म्यूजिक चल रहा है, कभी कैमरा चल रहा है, सब कुछ अपने आप ही, तो इसीलिए अब रुकना पड़ा है। और फिलहाल तो सारा बैग बैग सब कुछ बिक चुका है और मैं भी पूरा बिक चुका हूँ, और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको दिखाता हूँ, और सारे रास्ते से तो वेस्टर्न हाईवे पर भी पानी ही पानी है और खड्डे इतने सारे हैं कि बाइक ड्राइव ही नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न ये हो रहा है। तो इसकी वजह से हम स्लो चलना पड़ रहा है मुझे। 2-3 जगह पे तो ऐसा था कि जहाँ पे मेन हाईवे ये है वेस्टर्न हाईवे, मेरी रास्ता सीधा दिल्ली तक जाता है और इस तरफ मुंबई, तो ये मेन हाईवे पे भी आप देखोगे तो 3-3, 4-4 फीट के खड्डे हो चुके हैं और सब जगह पानी भरा है, 3.5 फीट 2.5 फीट जितना, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं जैसे तैसे करके। बाइक है तो अच्छा है, वरना कार हो रही तो कहीं ट्रैफिक में फंसे रहते अब तक और शायद निकल भी नहीं पाते। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हमारे प्योर की कोशिश पर। तो पूरा बिक चुका है, लेकिन अच्छा ये किया था क्योंकि मैंने सारे कपड़े अपने प्लास्टिक बैग में डाल के रखे थे, तो सारे कपड़े सूखे हैं। और मैं अभी फ़िलहाल रुका हूँ वापी से आगे, पहले एक सिटी है गुरुद्वारा करके, एक छोटा सा टाउन है वहाँ पर, और चलिए अभी आगे का सफ़र चालू करते हैं, क्योंकि ये बारिश तो रुकेगी नहीं, लेकिन ये मुझे भी नहीं रोक पाएगी, तो मिलते हैं बहुत जल्दी वापस। देखिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, बादल है और बारिश भी हो रही है, सामने पर्वत ही है, हर तरफ सिर्फ ग्रीन 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 ही है, हरियाली ही हरियाली है। इतना बेहतरीन नज़ारा सिर्फ बारिश के मौसम में ही देखने को मिलता है। बाकी आगे विंटर में एकदम फॉग फॉग वाला हो जाएगा, लेकिन ये वाला भी बहुत सही लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज वलसाड़ से मुंबई का जर्नी है बाय रोड रहेगा, तो मैं घर से निकला था अराउंड 12:15 को, फिर वहाँ से गए थे हम, मैं गया था वलसाड़ और वहाँ पे हेलमेट का ग्लास जो चेंज करवाना था वो करवाया, और वलसाड़ सिटी को जैसे लीव किया मैंने अराउंड 1:15 को, एकदम बहुत ज़ोरों से बारिश चालू हो गई थी। और वो वलसाड़ और मुंबई के बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और जैसे वलसाड़ मैंने लीव किया वहाँ से बारिश स्टार्ट थी कंटिन्यूसली वो मुंबई तक, तो मैं बीच रास्ते में कुछ इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ, फिर भी ट्राई किया था जितना हो सका उतना बनाया हो, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। और ये कहने को तो ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे है, लेकिन पूरे रास्ते पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और पूरे रास्ते पे पानी पानी है। ऑलमोस्ट मेरी बाइक का पूरा आगे का टायर पूरा डूब जा रहा था, इतना ज़्यादा पानी था वहाँ पे। और एक जगह ये कंटिन्यूसली भीगने की वजह से मेरी आँखें भी बहुत लाल लाल हो चुकी है, और मैं पहुँच जाता मुंबई में अराउंड 5:30 या 5 o'clock, माइट बी मैं 5 बजे तो आ ही जाता घर पे, लेकिन वसई के फ्लाई ओवर से लेके थाने का बाईपास जो है वहाँ तक का
डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। वसई के फ्लाईओवर से लेके थाने बाईपास जो है वहाँ का डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर समथिंग। वो 8 किलोमीटर काटते काटते मुझे 1.5 घंटे लगे। तो आप सोचिए कि वहाँ पे ट्रैफिक कितना, मैं तो बाइक पे आया था फिर भी मुझे इतना ट्रैफिक लगा। तो वो 8 किलोमीटर पूरा कंटिन्यूसली जाम था। कहीं कहीं से लोग क्या करते थे कि रॉन्ग साइड चले जाते थे, रॉन्ग साइड से भी अंदर आने की कोशिश करते थे। तो पूरा जाम हो चुका था क्योंकि बीच में फ्लाईओवर का एक काम चल रहा है और उस और रास्ते भी बहुत ख़राब है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो कोई नहीं, हम सेफली पहुंच गए घर, यही बताने के लिए हम आए थे। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। की वजह से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे ईयरफोन में पानी चला गया था, तो सेम वे मेरा फ़ोन भी ख़राब हो चुका है, फ़ोन में भी पूरा पानी घुस चुका है और उसका स्पीकर नहीं चल रहा है। तो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो तो दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ, तो मेरा एक फ़ोन ख़राब हो चुका है अभी। तो देखते हैं, ये दूसरी बार वाटर डैमेज हुआ है ये वाला जो फ़ोन हो गया है आज, तो पता चलेगा रिपेयरिंग में जब देंगे तब कि क्या होता है और क्या नहीं। तो शायद ही बन पाएगा क्योंकि उसका स्पीकर फट रहा है, टच नहीं चल रहा है, सो आई थिंक इट्स गॉन।